अगर आपको एक नया Google Pixel फोन USA से इंडिया लाना है, let that be the Google Pixel 7 और the Google Pixel 7 Pro, then ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो कौन सी चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, और अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि क्या उसको कुरियर थ्रू मंगाना चाहिए या किसी को कह के उसको हमें ऑर्डर करना चाहिए। तो जितने भी सारे आपके क्वेश्चन है उन सबको मैं आज के वीडियो में आंसर करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे फोन्स को इम्पोर्ट किया है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं और बहुत गलतियां भी कर रखी है। तो मेरा यही मोटो है कि जो गलतियां मैंने की है वो आप रिपीट मत कीजिए। तो जितनी भी सारी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं सारी आप तक शेयर करूंगा। अगर आप इसे कुरियर थ्रू मंगाने की सोच रहे थे तो इस पैन को आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपने एक बार वहां से इसको शिप कर दिया देन आपको कस्टम ड्यूटीज भरनी ही है, चाहे आप इसे एज अ फोन शिप करो वरना गिफ्ट आइटम के तौर पर। अगर आप वहां से यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो देन आपको कस्टम ड्यूटीज तो भरनी है, चाहे वो मुंबई का एयरपोर्ट हो यानी कि बॉम्बे एयरपोर्ट और लेट दैट बी दिल्ली एयरपोर्ट, कहां पे तो भी आपका प्रोडक्ट स्टक हो जाएगा तो पहले आपके घर पे एक नोटिस आएगी। तो आपको आपके सारे केवाईसी डिटेल्स उनको सबमिट करना है थ्रू ईमेल, और उसके बाद आपके घर पे पहले बिल आएगा तो आपको बिल को पे करना है और फिर जाके आपको उस प्रोडक्ट का एक्सेस मिलेगा। और अगर आप कस्टम ड्यूटीज नहीं भरते हो तो आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली डिस्पोज हो जाता है। तो ऐसी भी बात नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कंप्लीटली रिटर्न जाता है, वो उसको डिस्पोज भी कर सकता है। तो अगर आप एक बार आपने वहां से यहाँ पे शिप कर दिया तो आपको कस्टम ड्यूटीज भरनी है, और ये जो कस्टम ड्यूटीज है ये अप टू 25% हो सकते हैं। तो अगर आपका फोन 1 लाख रुपीज का है तो 25,000 रुपीज तक का आपको कस्टम पड़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुरियर करने का ऑप्शन तो आप भूल ही जाओ। तो अगर वहां से यहाँ पे कोई भी आने वाला है तो उनको आपको दो चीजों के बारे में कहना है, चाहे वो गूगल पिक्सल 7 हो या गूगल पिक्सल 7 प्रो। आपको उनको ये कहना है दैट जब भी वो एक नया फोन लेने जाएंगे, यानी कि जिस टाइम पर वो फोन वहां पे ऑर्डर करेंगे उस टाइम पे आपको उनको कहना है कि वो अनलॉक फोन ही परचेस करे, वो लॉक फोन ना परचेस करे, और वो फोन इंस्टॉलमेंट पे भी ना हो तो उनको फुल प्राइस टैग पे करना है, और वो फोन कैरियर अनलॉक्ड होना चाहिए। वहां पर पिक्सल 7 की प्राइस है $599 और जो पिक्सल 7 प्रो है इसकी प्राइस है $899। बट ये आपकी फाइनल प्राइसिंग नहीं है, इसके ऊपर स्टेट टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रिलेटिव्स वहां पे किस स्टेट से परचेस करते हैं, तो उतने आपको टैक्सेस भी भरने हैं। इट कैन बी अराउंड $20 टू मैक्सिमम $70। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट से वो परचेस करने जा रहे हैं। और जब वो वहां से यहाँ पे आने वाले होंगे उस टाइम पे आपको उनको कहना है कि वो फोन बॉक्स से बाहर निकाले, क्योंकि यहाँ पर मेन बात है वो सील को ब्रेक करना। तो चाहे वो फोन अपने पॉकेट में लाए, अपने कैरी ऑन लगेज में, वरना कहां पर भी रखे, और चाहे वो फोन पावर डाउन हो वरना स्विच ऑफ हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उस फोन का बॉक्स, उस फोन के एक्सेसरीज, उस फोन का बिल, आप ये सारी चीजें ला सकते हो, बट मेक श्योर यानी जो सारी चीज है ये आप चेक इन लगेज में रखिए, यानी कि वो लगेज जो आप सबमिट कर देते हो, और ये जो लगेज है जो आप कैरी करते हो यानी कि कैरी ऑन लगेज, इसमें आप अपने फोन को रख सकते हो, वरना इस फोन को अपने पॉकेट में रख सकते हो। तो अगर आपको एक नया गूगल पिक्सल यूएसए से इंडिया लाना है देन वो 100% काम करता है, चाहे वो इसका ईसीएम हो, चाहे इसकी वारंटी सपोर्ट हो, और जितनी भी सारी चीजें हैं, इवन द यूपीआई एप्लीकेशंस जो हम इंडिया में यूज करते हैं, लेट दैट बी गूगल पे, लेट दैट बी फोन पे, ये सारे एप्स डेफिनेटली वर्क करते हैं। और अगर आपको कोई भी अदर इशू है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो। तो मेरा यही मोटो है कि जितनी भी मैंने पिछले गलतियां की है और जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।